कस्टमर कौन है? कस्टमर इज द किंग। कस्टमर चूतिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज जो हम ट्रेलर देखने जा रहे हैं वो है मूवी मेड इन चाइना का ट्रेलर। और इसमें है राजकुमार राव और बोमन ईरानी और मौनी, जो कि नागिन सीरियल से बहुत ही हिट हुई थी। तो आइए, राजकुमार राव है ना, तो भाई ये मूवी मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छी जाने वाली है। देखो, हम ट्रेलर देखने जा रहे हैं अभी और ट्रेलर में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मेरे को इतना पता है राजकुमार राव की मूवी होगी तो ऑटोमेटिकली एक्टिंग के मामले में तो बहुत अच्छी जाने वाली है। और क्योंकि मेरे को एक चीज देखी है मैंने कि राजकुमार राव ने हमेशा अच्छी मूवी ही करी है, क्योंकि चाहे आप कोई सी उठा के देख लो, स्त्री देख लो या उनकी पहले वाली देख लो, तो जितनी मूवी है बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और कॉमेडी भी होती है। अब देखते हैं इसमें क्या है, चलो देखते हैं। तुम एक दिन बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनोगे। तुम्हें सिर्फ ये चाबी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कस्टमर कौन है? कस्टमर इज द किंग। कस्टमर चूतिया है। कस्टमर की नीड ताला है, और जिस दिन तुम्हें इस ताले की चाबी मिल गई, तुम बन गए एंटरप्रेन्योर। परेश रावल का वही लुक और वही आपको एंटरप्रेन्योर साबित करने का एक और मौका किस्मत ने मुझे दिया। मणि, हम जब रात को करते हैं तो पूरी तरह से खुश हो जाती है ना, इसलिए ऐसे टॉप फ्लोर पे पहुंच जाती है ना। डोंट वरी, मैं टॉप फ्लोर तक भी पहुंचती हूँ और वहाँ से व्यू भी एंजॉय करती हूँ। मतलब लिफ्ट बराबर काम कर रही है, लिफ्ट और लिफ्टमैन दोनों। इतना डर मत, तेरे को कोई अफगानिस्तान या सीरिया नहीं भेजे, चाइना ही भेजे। What Indian people want? Good road. Facts. Higher place. Selling like hotcakes, 10 times better than my girl. Sir, वो बल्ब जल जाता है लेकिन आग नहीं लगती। पुरुष क्यों होता है? वो माचिस की तरह होता है। अच्छा। और बुझ जा रहे हैं। ये तो भाई लगा दी, भाई बहुत बढ़िया लगा दी पुरुष की। आपने मेरे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो। मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है ना जो सब गुप्त रोग का इलाज है। प्रोडक्ट मेरा, पेशेंट आपके, मुनाफा दोनों का। सूट तेरी कहानी है, वर्दी तेरा हीरो है। कहानी को नहीं, हीरो को बेच। इंडिया का जुगाड़ है ना छोटा भाई, सिर्फ बाहुबली बनना है डॉक्टर। इसका कोई सोल्यूशन है? ये सूप पिला दो। ये लगाने का है कि खाने का? पहला खाने का, फिर लगाने का। हम इस सूप को पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे। रघुवीर मेहता, तुम रॉकेट हो, तुम्हारे पीछे आग है। Put your hand on behind and feel the heat. अभी of course, come on, yes. थोड़ा गरम है सर। भाई बड़ा थोड़ा गरम है। दिवाली का मेड इन चाइना, इंडिया का जुगाड़ है। बहुत ही तगड़ा ट्रेलर है भाई, ये तो मूवी ना जबर जाने वाली है भाई। हाथ हटके ना भाई, सच में यार, जिस हिसाब से उम्मीद थी ना राजकुमार राव की, तो भाई वैसा ही ट्रेलर है। और मूवी तो भाई तुम लोग ट्रेलर को देखने के बाद ना तुम लोग मूवी देखने जरूर जाओगे। जरूर भाई, तुम लोग क्या, भाई मैं भी जाऊंगा, क्योंकि भाई ऐसी मूवी को देखना बनता है बिल्कुल बनता है। और लास्ट जो सीन था भाई, हीट। हाँ सर, थोड़ा गर्म तो है भाई। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दी है, जो आज की टाइम की प्रॉब्लम है ना, उस चीज को लेके आए हैं कि क्या नीड है, क्या कुछ है। तुमने ऐसी नहीं है कि सिर्फ हमें ही है ये, बेसिकली क्या, आप देखो हर किसी को पता है। आप देखोगे ना आज की डेट में कहीं भी देखो, बस स्टैंड पे जाओ, जितने ही वॉशरूम होंगे सब में ना पोस्टर लगे होंगे गुप्त रोग का इलाज, ठीक है, बंगाली बचपन की गलतियां। तो भाई उसी चीज पर मूवी है पूरी ये, ठीक है। आप जो उठाया है, मतलब वो बंदे ने सोच समझ के उठाया भाई। तुमने उसकी बात नहीं सुनी चाइनीज की, उसने क्या बोला, नीड ऑफ इंडिया वाले को क्या चाहिए, वो कहता है गुड रोड नहीं सेक्स। अबे यार भाई, वो फिर आता वहाँ से, एक उसका सपना होता है एंटरप्रेन्योर बनने का। ऐसा एंटरप्रेन्योर बनता है भाई। डॉक्टर के साथ सेटिंग करते कि दवाई मेरी, मुनाफा आधा आधा, पेशेंट तुम्हारे। भाई लाइन से लग जाती है, वो कहता है मेरे छोटे भाई को बाहुबली बना दो। एक तो वो वाला सीन भाई बहुत अच्छा है, वो लेडी खड़ी होती है, आ कहती है वो बल्ब जलता तो है लेकिन बुझ जाता है, आग नहीं जलती, कुछ ऐसा आग नहीं जलती, बेइज्जती कर देता और आदमी क्या माचिस की तीली की तरह होता है, जलता और बुझ जाता है। भाई क्या है यार। तो भाई मूवी धमाकेदार जाने वाली है और एक करंट टॉपिक उठाया है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, देखो ये उनके लिए है जो आज की न्यू जनरेशन है, जो कुछ गलतियां करके बाद में भुगतते हैं, बाद में फिर जो मैरिड लाइफ होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स सी आती हैं, तो उन चीज़ों को टॉपिक को उठाया है और उसको कैसे यूटिलाइज किया है। यानी कि हम चीज़ें ठीक होती हैं हमारी, लेकिन डॉक्टर लोग उसे कैसे बड़ा बना के अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। उसमें एक बात बोली कि 10 टाइम टू वाइग्रा, यानी वाइग्रा से 10 टाइम गुना होना। तो यानी मेन चीज़ क्या है कि ले दे के उन्होंने एक ही चीज़ को पकड़ा है और जो करंट टॉपिक है उसी को पकड़ा है, यानी बना दी उसी। और इंडिया में इतना कितना बड़ा हो गया ये टॉपिक आज की डेट में, यानी इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए डॉक्टर बहुत पैसे कमाते हैं। और मूवी का ट्रेलर से देखें तो मतलब मूवी बेसिकली उसी थीम पे बनाई है और कॉमेडी के पंच तो इसमें ज़बरदस्त है, एक्टिंग ज़बरदस्त है। भाई राजकुमार राव की वो वाली एक्टिंग, भाई लिफ्ट मैन अच्छी तरह से काम कर रहा था, भाई वो वाला पंच बहुत तगड़ा था। मौनी है इसमें और हमारे जो एक यूट्यूब के बहुत ही फेमस चेहरा है वो भी है, जो कि काफ़ी फेमस हुए थे। और साथ के साथ परेश रावल जो राजकुमार राव को एनकरेज करते हैं कि आपको एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, कस्टमर चूतिया भाई साहब, तो हाथी करती है मतलब हाथी करती है भाई तुम्हारा तो, कि यानी कस्टमर को दुनिया कहती है भगवान है, भगवान है। उन्होंने तो कस्टमर की थ्योरी बदल डाली भाई पूरी। तो ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त था इसका, हमें तो बहुत ही बढ़िया लगा ये ट्रेलर भाई। आप लोग देखोगे, आप लोग हंस के पागल होगा इस ट्रेलर को देख के। तो आप भी ज़रूर देखें ये ट्रेलर को, अपने दोस्तों को भी ज़रूर दिखाएं हमारी वीडियो को, और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर। और दोस्तों साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें पता लगे आपको वीडियो अच्छा लगा है। और दोस्तों शेयर भी करें दोस्तों के साथ, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।